देखिए रिंग लाइट रिपेयर होने के बाद कितनी सीधी खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे रिंग लाइट टाटा बाय बाय कर रही है, इसको किस तरह से हम रुकाएं। ये देखिए मोबाइल रखने से पहले ये गिर रही है, ये साइड में है, इसमें हमने पूरा टाइट किया हुआ है, इससे ज्यादा हम टाइट नहीं कर सकते। अगर टाइट करेंगे तो क्लिप टूटने का खतरा है। तो हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से इसकी मुंडी रुका सकते हैं और किस तरह से हम यूट्यूब के वीडियो वगैरह आगे शूट कर सकते हैं। आप देखते रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी ये फिटिंग हमें खोलनी है, तो ये फिटिंग खोलने से पहले जो है देखिए नीचे की फिटिंग होती है, देख रहे हैं आप, और ये हमारे स्टैंड में बैठ जाता फिट हो जाता है। पहले हमें ये खोलना है। और ये एक ध्यान में रखिए, ये सारा नाजुक काम है, तो आप आराम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए इसमें। अभी हमें ये चीज़ निकालना है, तो इसके लिए एक यहाँ पे एलेंकी है, एलेंकी स्क्रू, और ये दूसरा हमारे पास पिन है टाइट करने की। तो आप है ना, ये एलेंकी स्क्रू है, तो आप एलेंकी चाबी ले लीजिए, मैं ये यूज़ करूँगा। खोल लिया, फिर ये देखिए पिन आप निकाल लीजिए। फिर आप ये बॉल को देखिए इस तरह से निकालिए, तो ये अंदर हमें बॉल दिखेगा, ये बॉल, ये देखिए। आप अगर इसको भी देखें तो यहाँ पे देखिए ये एक कट दिख रहा है आपको, और यहाँ पे एक दूसरा कट दिख रहा है। तो ये हमारी पिन ये कट में जाती है, और एलन की जो चाबी देखी है आपने वो यहाँ फिट होती है, तो इस तरह से ये फंस जाता है। अभी जो हमारे स्लिप होने का जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है, कारण है, वो ये है कि ये बॉल जो है ये ज़्यादा चिकना हो गया, और चिकना होने की वजह से जो है ज़्यादा टाइम यूज़ होने के बाद एक्चुअली ये हो जाता है, ये ज़्यादा चिकना हो चुका है और यहाँ पे भी कोई ग्रिप नहीं रह गई है। तो हम पहले तो इसकी ग्रिप तैयार करेंगे। ग्रिप तैयार करने के बाद ये वाइशर है, ये वाइशर हम इसमें यूज़ करेंगे कोई एक। तो ये अब देखिएगा नॉर्मली जो नल का नल में फिट होता है, ये उसका वाइशर है, ये इंडिकेटर का वाइशर है। इसके बाद में ये एक दूसरा वाइशर था मेरे पास रखा हुआ, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। वरना आप साइकिल की कटी हुई ट्यूब से भी काम चला सकते हैं, वो भी एक रबड़ है, रबड़ भी एक काफ़ी सारा जो है इसमें रोल अदा करती है इसको फिक्स करने के लिए। तो हम देखेंगे कि पहले इसको रफ करेंगे, हमारे पास रहती है ये फाइल, इससे हम इसे रफ करेंगे। रफ करना ईजी है, इतना हार्ड नहीं है, तो आप इसको रफ कर सकते हैं आराम से। अगर आपके पास रेती नहीं है तो आप पॉलिश पेपर ले लीजिएगा, और काफ़ी सारे तरीके हैं जो आपको सुविधा अनुसार। तो ये देखिए, ये हमारा पूरी तरह से रफ हो चुका है, आप देख सकते हैं ये रफ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है वाइशर ले लेंगे, वाइशर हमने लगा दिया। इसके बाद में इसका कैप है, वाइशर आप देख लें कि सही से लगे। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए हमने ये वाइशर लगा दिया, और वाइशर लगाने के बाद जो हमें पॉइंट देखना था वो हमें देखना है, ये रहा। तो आप पहले तो पिन डालिए इसमें, ये पिन हमारी डल गई है। अब इसमें जो है आपको एलन की स्क्रू टाइट करना है, कभी कभी ये प्रॉब्लम जो है स्क्रू एलन की स्क्रू स्लिप होने के बाद भी आता है। देखिए कितना अंदर स्क्रू चला गया है। और अभी हम जो है इसका लेंगे डेमो और आपको आपको दिखाएंगे, देखिए कितना टाइट हो गया है। मैंने नॉर्मली टाइट करने से देखिए इतना ही टाइट करना है, देखिए टाइट हो गया, हम इसका अब लेंगे डेमो।
जी हाँ, डेमो से पहले हम ये लगा लें क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। ये हो गया हमारा ईट पूरी तरह से टाइट। अब इसके ऊपर लगा लें हम मोबाइल। तो मोबाइल लगाने का देखिए अब सिंपल तरीका है। ये लगा लिया हमने मोबाइल, अब देखते हैं इसको स्टैंड पे लगाकर। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि ये लाइट वापस रिंग लाइट गिरेगी क्या नहीं गिरेगी। ये इसका बेस है, बेस को कनेक्ट किया और यहाँ ट्रिगर है, ट्रिगर से हम इसको बिठा दिया हमने। अब देखिए यस, ये मैंने दोनों हाथ हटा दिए हैं। देखिए रिंग लाइट जहाँ थी वहीं है, कोई हिल नहीं रही है, ना नीचे आ रही है ना पीछे जा रही है। हाँ, इसको हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं और इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये लेकिन हम अपनी मर्जी से। ये इसकी पहले इसकी मर्जी चल रही थी, अब हमारी मर्जी चलेगी। देखिए अब हम इसको ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए, आप इसको तो अच्छी तरह जानते होंगे, ये हमने ही बनाया है और मुझे लगता है ये बनाने के बाद मेरी लॉटरी लग गई है। ये चार्जर और ये हमने इसको कनेक्ट किया। देखिए डेली करंट आ रहा है, ये बटन ऑन किया, ये दोनों करंट आ गए। उसके बाद हमें जो करना है यहाँ से ऑन करना है। ये देखिए कितनी शानदार लहराती हुई लाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ से यही फंक्शन से इसकी लाइटें भी चेंज होती हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी यूट्यूबर भाइयों, आपको जहाँ जिधर जाना चाहें उधर आप रिंग लाइट लेके जाइए, साथ में इस तरह का कुछ बॉक्स बनाइए, रिंग बॉक्स नैनो, और ज़िंदगी के मज़े उठाइए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो कीजिए लाइक। थैंक यू।